अच्छा नेक्स्ट हमारे पास सीक्वेंस है पास्कल सीक्वेंस डिफाइंड एज पी इक्वल्स टू वन पी आर प्लस वन इक्वल्स टू फोर माइनस आर डिवाइडेड बाई आर प्लस वन पी आर वी आर आर स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो अब यहाँ पर जब आर की जगह हम जीरो पुट करते हैं फॉर आर इक्वल्स टू ज़ीरो इस जनरल टर्म में यहाँ हमें मिल जाता है पी ज़ीरो प्लस वन पी वन इक्वल्स टू फोर माइनस जीरो डिवाइड बाई ज़ीरो प्लस वन पी नाट यहाँ से आपको फोर बाई वन और पी नाट गिवन है फर्स्ट टर्म तो इसे सेकेंड टर्म हमें मिल जाता है फोर फॉर आर इक्वल्स टू वन यहाँ वन पुट करें पी वन प्लस वन पी टू फोर माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस वन पी वन फोर माइनस वन थ्री आ रहा है यहाँ से टू और पी वन फोर के बराबर सिंप्लीफाई करें द थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस एज सिक्स फॉर आर इक्वल्स टू टू पी टू प्लस वन थ्री आ जाएगा फोर माइनस टू डिवाइडेड बाई टू प्लस वन एंड यहाँ पर पी टू फोर माइनस टू टू बाई थ्री और पी टू गिवन है सिक्स के बराबर है सिंप्लीफाई करें तो आपको ये थर्ड टर्म सीक्वेंस का फोर टर्म वो मिल जाएगा फोर फोर आर इक्वल्स टू थ्री यहाँ पर पी फोर फोर माइनस आर की जगह हमने थ्री पुट किया था डिवाइडेड बाय थ्री प्लस वन और आर की जगह थ्री पुट किया है तो पी थ्री मिल जाएगा यहाँ से आपको वन और फोर एंड पी थ्री वो फोर के बराबर सिंप्लीफाई करें तो आपको मिल जाएगा पी फोर इक्वल्स टू वन आर की जगह जब हम फोर पुट करेंगे ना फोर ये मिल जाएगा पी फोर प्लस वन पी फाइफ इक्वल्स टू फोर माइनस फोर डिवाइडेड बाई फोर प्लस वन पी फोर आ जाएगा इन फोर माइनस फोर ये टर्म आपको जीरो मिला अब आगे जितने भी टर्म्स होंगे वो सब के सब क्या हो जाते हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं क्योंकि पी फाइव जीरो हुआ तो पी सिक्स में पी फाइव यूज़ होगा पी सिक्स पी जीरो हो जाएगा पी सेवन जितने भी हैं तो इस सीक्वेंस के नॉन ज़ीरो टर्म्स कौन कौन से हैं वन फोर सिक्स फोर वन ये इसके नॉन जीरो टर्म्स हैं बाकी जो टर्म्स हैं वो सारे के सारे जीरो हैं सो द सीक्वेंस इज़ द सीक्वेंस इज वन फोर सिक्स फोर वन और बाकी टर्म्स सारे के सारे जीरो है और नान जीरो टर्म्स इसमें फाइव नान जीरो टर्म्स है दिस सीक्वेंस इज कार्ड द पासिकल सीक्वेंस ऑफ फोर ये पासिकल सीक्वेंस ऑफ फोर है दिस इज द पासकल सीक्वेंस ऑफ द नंबर फोर हर नंबर का अपना एक पासिकल सिकवेंस होगा अभी हम लिखेंगे कि वो पासिकल सिकवेंसेज हम कैसे फाइंड करते हैं हर नंबर का दिस सीक्वेंस हैज़ आल्सो इट्स स्पेशल नोटेशन और इसका जो स्पेशल नोटेशन है अब देखिए पी नाट हमारे पास आ रहा था वन के बराबर पी वन हमने फाइंड किया वो फोर पी टू सिक्स पी थ्री वो भी फोर के बराबर था और पी फोर वन के बराबर था पी फाइव पी सिक्स पी सेवन वो सारे के सारे ज़ीरो हो जाते हैं अब इसका जो स्पेशल नोटेशन है ना वो ये है पी जीरो तो हम ऐसे लिखते हैं फोर चूंकि ये पास सीक्वेंस ऑफ फोर था इसके जो जनरल टर्म था वो अभी मैं लिखता हूँ फोर ज़ीरो वन के बराबर पी वन तो फोर और ये जो वन है ना वो यहाँ हम लिखते हैं ऐसे पहले में इनकलोज़ करते हैं फोर के बराबर था पी टू फोर टू सिक्स के बराबर पी थ्री फोर थ्री ये फोर के बराबर था और p फोर इक्वल्स टू वन तो फोर फोर इक्वल्स टू वन द पासकल सिक्वेंस ऑफ फोर इसका जो जनरल टर्म होगा ना द जनरल टर्म इज जनरल टर्म ये था ना यहाँ पे मैं लिखता हूँ p नॉट इक्वल्स टू वन और p आर प्लस वन बराबर था फोर माइनस आर डिवाइडेड बाई आर प्लस वन पी आर वी आर आर स्टार्ट फ्राम जीरो तो हम इसको इस नोटेशन में हम ऐसे लिखते हैं पी नाट इक्वल्स टू वन तो फोर जीरो इक्वल्स टू वन पी नाट फोर जीरो चूँकि ये यहाँ पे ना ये ये फोर है दिस इज़ अ फिक्स नंबर तो ये पासकल सीक्वेंस ऑफ फोर कहलाता है एंड पी आर प्लस वन तो ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ फोर आर प्लस वन इज इक्वल्स टू फोर माइनस आर डिवाइडेड बाई आर प्लस वन एंड पी आर है तो इस पी आर को हमने रिप्लेस किया है फोर आर एंड आर स्टार्ट फ्रॉम जीरो अब पास्कल सीक्वेंस इन जनरल ये पास्कल सीक्वेंस ऑफ फोर है in general the pascal sequence of any number in can be written as uh, p naught equals to 1 and पी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू यहाँ पर ये फोर का पासकल सीक्वेंस है तो यहाँ पर फोर फैक्सड है अब अगर ये एन का पासकल सीक्वेंस होगा तो यहाँ पर क्या हो जाता है एन माइनस आर डिवाइडेड बाई आर प्लस वन पी आर वेयर आर स्टार्ट फ्रॉम जीरो सो ऑन ये पास्कल सिक्वेंस ऑफ एनी नंबर एन एंड इन द फॉर्म ऑफ दिस नोटेशन हम इसको लिखते हैं ऐसे लिखेंगे पी नाड इक्वल्स टू तो वन अब ये पास्कल सिक्वेंस ऑफ द नंबर एन है तो इस पी नाड की जगह हम लिखते हैं एन इक्वल्स टू वन एंड एन आर प्लस वन दिस इज इक्वल्स टू तो n माइनस आर डिवाइडेड बाई r प्लस वन एन आर ये पास्कल सीक्वेंस ऑफ एनी नंबर n अब हम जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं उन सब के पास्कल सीक्वेंसेस हम पास्कल ट्रायंगल से फाइंड करते हैं अब पास्कल ट्रायंगल क्या है पास्कल ट्रायंगल पास कल ट्रा ये वन हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पर वन वन ये यहाँ वन लिख दिया स्टार्ट में और एंड में वन लिख दिया द सम ऑफ दीस टू इन दोनों का समेशन वन प्लस वन टू आ रहा है तो वो मैंने इनके दरमियान लिख दिया वन टू वन सिमिलरली नेक्स्ट स्टार्ट होगा तो स्टार्ट में वन एंड में वन इन दोनों का सम क्या है थ्री है वो इन दोनों के दरमियान मैंने लिख दिया टू प्लस वन थ्री है वो इन दोनों के दरमियान लिख दिया सिमिलरली अगेन यहाँ पर स्टार्ट में वन एंड में वन और थ्री प्लस वन फोर तो मैंने इनके दरमियान लिख दिया थ्री प्लस थ्री सिक्स के बराबर है इनके दरमियान लिख दिया सिमिलरली थ्री प्लस वन फोर इनके दरमियान लिख दिया अगेन आप वन वन फोर प्लस वन फाइफ दरमियान लिखते फोर प्लस सिक्स टेन यहाँ लिख दिया सिक्स प्लस फोर टेन वो मैंने यहाँ लिख दिया एंड फोर प्लस वन फाइव तो ये एक्चुअली ये वन पास्कल सीक्वेंस ऑफ इन इक्वल्स टू जीरो है और ये ना जितने नॉन ज़ीरो टर्म्स हैं द पास्कल सीक्वेंस ऑफ जीरो तो उसमें सिर्फ वन नॉन ज़ीरो टर्म है बाकी सारे के सारे क्या हो जाते हैं जीरो ये वन वन पास्कल सीक्वेंस ऑफ इन इक्वल्स टू वन है ये वन टू वन पासकल सीक्वेंस ऑफ इक्वल्स टू टू वन टू वन नॉन जीरो टर्म्स और बाकी टर्म्स सारे के सारे जीरो हो जाते हैं इक्वल्स टू थ्री ये इक्वल्स टू फोर का पासकल सिक्वेंस